नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल का कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं 28 जून 2024 की। कैसा रहेगा 28 जून का दिन, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत हर राशि पर चर्चा करेंगे। आज का आपका शुभ रंग क्या रहेगा, आपके राशि के अनुसार आज आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, जो उपाय आज पूरे दिन भर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना है, आज यदि शुभ व मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो कौन से समय को आपको ग्रहण करना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के साथ, प्रिय दर्शकों, 28 जून 2024 कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि के साथ आज भुवन भास्कर सूर्यदेव उदय होंगे। सप्तमी तिथि 4:29 तक रहेगी सायंकाल, उसके उपरांत अष्टमी तिथि होगी। आज शुक्रवार है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 10:11 तक रहेगा प्रातःकाल, उसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा और आज सौभाग्य योग होगा। आज चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे और सूर्यदेव मिथुन राशि के अंतर्गत यथावत स्थिति में विद्यमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जब भी किसी भी नए व शुभ कार्य को करें उस समय राहु काल का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको बता दें आज का राहु काल का समय प्रातःकाल 10:39 से लेकर के 12:24 तक का रहेगा मध्याह्न काल। इस समय अवधि के अंतर्गत आपको किसी भी नए व शुभ कार्य को करने से जरूर बचना होगा। वहीं आज के शुभ मुहूर्तों की भी बात कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का गोलिक काल का समय 7:10 से लेकर के 8:55 प्रातःकाल का रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:52 से लेकर के 12:47 तक का रहेगा। इस समय को भी ग्रहण न करें, 12:24 के बाद अभिजीत मुहूर्त का लाभ लिया जा सकता है। गोलिक काल में यात्रा से संबंधित, व्यवसायों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने चाहिए। और अब चर्चा आज के दिशा शूल की, आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना होगा। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिशा शूल है वो पश्चिम दिशा का है, आज आपको पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आवश्यक स्थिति में पश्चिम दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो घर से जौ का सेवन करके आप पश्चिम दिशा की ओर जाइएगा। घर से निकलते समय कुछ कदम नैऋत्य कोण की ओर चलें, फिर पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करिएगा, निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद रहेगी। और अब चर्चा आज के राशि फल के कार्यक्रम की, और हर रोज की तरह शुरुआत करते हैं भचक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों, आज के दिन आपको सतर्क सावधान रहना होगा। खर्चों को लेकर के आज आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, अचानक से आने वाले खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का आज के दिन आपको ध्यान रखना होगा, विशेषकर नेत्रों से संबंधित समस्याएं और आधा सीसी का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आज के दिन कार्य क्षेत्र में व्यस्तता अत्यधिक होगी, कामकाज का बोझ अधिक होगा, जिसके कारण आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं। आज व्यर्थ का निवेश करने से आपको जरूर बचना होगा, कर्ज लेते देते समय सतर्क सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आज कृमि। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के गुलाब का पुष्प मां भगवती के चरणों में अर्पण करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन बेहतर होगा। आज कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी, आर्थिक स्थिति के मामले में भी आज स्थिति आपके पक्ष में होगी। आज किसी विशेष निर्णय को ले सकते हैं कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय में। आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय में पारिवारिक सहयोग आपको और बल देने का कार्य करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद। आज के दिन को बेहतर बनाएं आज ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करिएगा। सूर्य देव को आज अर्घ जरूर दीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से सतर्क सावधान रहना होगा। कामकाज में हालांकि अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन मानसिक रूप से आप टेंशन में रह सकते हैं। कामकाज का प्रेशर अत्यधिक होगा, जिसके कारण व्यर्थ के तनाव में आज दिन व्यतीत हो सकता है। आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ वाद विवाद करने से आज के दिन आपको जरूर बचना होगा। आज कार्य क्षेत्र में दिग्भ्रमित होने से भी आपको बचना चाहिए। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट येलो। आज के दिन को बेहतर बनाएं ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करिएगा,
भगवान गणपति को आज दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा, भाग्य का सहयोग रहेगा। आज अपने व्यवहार को संयमित रखने की आवश्यकता कर्क राशि के जातकों को पड़ने वाली है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, उनकी सेवा करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। धर्म कर्म के कार्य में यदि कुछ समय व्यतीत करें तो निश्चित ही कई महत्वपूर्ण कार्य आपके बनने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करें, निश्चित ही आपको लाभ। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित समस्याएं आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं। आज खूब भाग दौड़ करेंगे और कामकाज नौकरी व्यवसाय में बहुत उत्तम स्थिति नहीं रहेगी। पारिवारिक सहयोग की कमी आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। मानसिक रूप हो या शारीरिक रूप पर संभव परेशानियां आज आपको देखने को मिल सकती हैं। आज के दिन आपको बहुत संयमता से कार्य करने की आवश्यकता है। गुस्सा करने से आज के दिन आपको बचना होगा। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को लेने से जरूर बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करिएगा और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। कन्या राशि, पारिवारिक सहयोग देखने को मिलेगा लेकिन जीवन साथी के साथ स्थितियां बहुत उत्तम नहीं है। यहां सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आज आपको ध्यान रखना होगा। आज व्यवसायिक स्थिति आपके पक्ष में जरूर है। संयमित होकर के कार्य करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा पर्पल। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तुला राशि के जातकों को आज के दिन सतर्क सावधान रहना होगा। आज नौकरी व्यवसाय में उलझने देखने को मिल सकती हैं, आपके काम काज को बिगाड़ सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। गुप्त शत्रु आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, आपको रोकने का प्रयास करेंगे। आज के दिन काम काज पर फोकस करने की आवश्यकता है। आज किसी से भी कर्ज व लोन लेने से आपको जरूर बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में खाने पीने की सफेद वस्तुओं का दान करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को आज अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी लेकिन विद्यार्थी वर्ग को विशेष सावधान रहना होगा। आज शिक्षा से संबंधित व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की स्थिति में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस हो सकती है। आज के दिन आपको सतर्क सावधान रहना होगा। कामकाज नौकरी व्यवसाय की स्थिति आपके पक्ष में होगी। आर्थिक स्थिति भी कहीं सुधार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। धनुराशि, धनुराशि के जातकों को आज पारिवारिक वाद विवाद देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का आज के दिन ध्यान रखना होगा। नौकरी व्यवसाय की स्थिति आपके पक्ष में होगी और यात्राओं की स्थिति आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। कामकाज नौकरी व्यवसाय में अचानक आई हुई यात्रा आपको परेशान कर सकती है। मानसिक रूप से आज आपको शांत रहकर के कार्य करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करना है। केसर मिश्रित तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाइएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को आज सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज के दिन कामकाज में ओवर कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास आपके आड़े आ सकता है जो कि आपके कार्य क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। आज के दिन आपको जिद्दीपन से जरूर बचना होगा, अपनी जिद से जरूर बचिएगा। सलाह मशवरा करके कोई बड़ा निर्णय लेना आपके पक्ष में होगा। कामकाज की स्थिति हालांकि अच्छी स्थिति है लेकिन वाहन इत्यादि चलाते हैं, यहां पर भी सावधानी अवश्य बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीमी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कुछ समय निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज अच्छी स्थिति है। पारिवारिक सहयोग देखने को मिलेगा। आज आप अपनी वाणी के द्वारा किसी खास व्यक्ति को आकर्षित करेंगे। आज आपके कार्य क्षेत्र की सराहना की जाएगी लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित आपको भी सतर्क सावधान रहना होगा। पेट से संबंधित दिक्कतें और श्वास से संबंधित समस्याएं आज के दिन आपको परेशान कर सकती हैं। धन की स्थिति भी आज आपके पक्ष में होगी। अनावश्यक व्यय करने से और अनावश्यक यात्राओं को करने से आज के दिन आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी।
आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज गुलाब जल का तिलक अपने माथे पर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब चर्चा भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की स्थिति आज लग्नगत है, यहां पर राहु भी स्थित है। आज मीन राशि के जातकों का दिन बेहतर होगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन आज के दिन आपको अपने व्यवहार को रूखा बनाने से जरूर बचना होगा। अड़ियलपन आज आपके अंदर प्रवेश कर सकता है, इससे जरूर बचिएगा, जिद्दीपन से जरूर बचना होगा। जल्दबाजी में किसी भी फैसले को करने से आज के दिन आपको बचना चाहिए। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आज के दिन आपको प्राप्त होता रहेगा, व्यावसायिक स्थिति भी आपके पक्ष में होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आज व्हाइट। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। और अब चर्चा आज के विशेष कार्यक्रम की। प्रिय दर्शकों, आज पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हैं, दोनों ही नक्षत्र पंचक के अंतर्गत आते हैं, तो पंचक चल रहे हैं, पंचक का विचार जरूर करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक में कुछ कार्य निषेध होते हैं, जैसे दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी है, मकान दुकान आदि का छत नहीं डलवाना चाहिए, पंचक के अंतर्गत घर पर घास व लकड़ी को इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए, चारपाई बुनना खरीदना बेचना निषेध है, और अंतिम संस्कार इत्यादि के समय पंचक शांति जरूर करवानी चाहिए। इन सभी कार्यों को छोड़कर के पंचक के शुभ नक्षत्र होते हैं, सभी शुभ कार्यों के लिए पंचक ग्रहण किए जा सकते हैं। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं, जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।